इस वक्त की सीधी तस्वीरें एएनजी न्यूज पर आप देख रहे हैं और भाजपा सांसद एवं प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू भैया नामांकन करने कासगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें राजवीर सिंह राजू भैया जो कासगंज कलेक्ट्रेट पर नामांकन दाखिल करने आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता से अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। देखिए, पूरे देश में मोदी जी की गारंटी पर और विकास के नाम पर हम दो बार सत्ता में आए हैं और हमने जितने भी कमिटमेंट्स किए थे उनको 100% पूरा किया है, बल्कि और ओवर किया है। और एटा के लिए तो लगभग 28-29 हज़ार करोड़ की योजनाएं आई हैं जो सोच भी नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ मिला है। और आने वाले समय में जो भी कमी रह गई हैं और अच्छी अच्छी योजनाएँ रोज़गार से संबंधित, इसका प्रयास करेंगे कि एटा खास कर और आए। भैया जी, आपने जैसा कहा है कि 400 पार और एटा जनपद में 5 लाख से जीत, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने मोदी जी ने सबसे पहले एक नारा दिया था 2014 में कि हम प्योर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हमने सरकार बनाई अगले चुनाव में 17 में चुनाव दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर 300 पार और हमने 375 प्राप्त की। 2019 के चुनाव में नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि इस बार 300 पार और हम लोग पहुँच गए 303। इस बार 400 पार का नारा दिया है। 100% कोई ताकत नहीं है जो 400 पार से भाजपा को रोक सके। सांसद जी, जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है उससे किस तरह की लड़ाई मानते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि शाख के प्रत्याशी उतारा है तो थोड़ा समीकरण लेकर वो कह रहे हैं कि शाख के मतदाता उनको मिल रहा है? ऐसा नहीं है, ये मान के चलिए कि 98% शाख मतदाता बीजेपी का था और आज भी है, और 98% मिलेगा। 2% तो वैसे भी हर कास्ट में निकल जाता है, लेकिन 98% भाजपा के साथ है। और जो आम जन की आवाज़ है वो आ रही है कि 400 पार और एटा 5 लाख पार। सांसद जी, आपने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, कुछ कितने करोड़ रुपए का आपने काम कराया है इस पूरे कार्यकाल में? लगभग 29,000 करोड़। 29,000 करोड़ का तो बहुत होता है एक सांसद के लिए, तो इतनी सांसद निधि नहीं मिलती, तो कैसे आप कर पाए इसको? देखिए, इतना काम किया है आपके सामने, 13,500 करोड़ की तो हमारी एक जवाहरी परियोजना है, रेल का 450 करोड़ आया है, मेडिकल कॉलेज का है, आपका हाईवे है, ITI है, कॉलेज है, स्कूल है, बिजली है, पानी है, इसके टोटल करेंगे तो 29,000 करोड़। आगे क्या आपकी योजना है? आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बनेंगे, तो क्या आपकी योजना है, क्या करेंगे? जो कमाई से रहेगी होगी उसका पूरा करेंगे और फोकस रहेगा इस बार लोगों को रोजगार मिले। धन्यवाद। ये थे एटा सांसद और वर्तमान एटा लोकसभा के प्रत्याशी राजवीर सिंह जी, जिन्होंने साफ कहा कि हमने जो पांच लोग कौन हैं? आप चलिए, नहीं आराम से सभी के लिए ऑफिस खुला हुआ है, बाकी आप सबको